खून की कमी। आलू बुखारा मशहूर फल है, इसे पकाने और सिखाने के बाद भी खाया जाता है। ये तिब्बी अहमियत का हामिल फल है। बुखार और बीमारी के बाद जायका को तब्दील करने के लिए आलू बुखारे का इस्तेमाल आम हो गया है। मगरबी ममालिक में उसकी डिशेस बनाई जाती हैं जो जायका दार होती हैं। बेसगीर में इसे ज़्यादातर दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस फल में चिकनाई, प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी के और ई पाए जाते हैं। अलावा जी कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम बकसरत पाए जाते हैं। ब्राउन और ब्लैक रंग के बैजवी शक्ल का ये फल एंटीऑक्सीडेंट का हामिल है। ये कैंसर के इम्कान को ख़त्म करता है। ये जिस्मानी और दिमागी सेहत के लिए भी बेहतर है। ये कोलेस्ट्रॉल की शरह को कम करता है और जिगर की सेहत के लिए इक्सीर माना जाता है। इसमें पोटेशियम की कसीर मकदार पाई जाती है, इसलिए बीपी को कंट्रोल भी करता है। रगों और हड्डियों के अमराज में मुफीद माना गया है। बदहज, कब्ज़ की शिकायत में आलू बुखार का इस्तेमाल कराया जाता है। इसके हैरत अनवेज नतज बरामद हुए हैं। इसका शरबत गर्मी दानों से निजात और गर्म मौसम फरहत और ताजगी फराहम करता है। तिब्बी माहरीन के मुताबिक आलू बुखारे के इस्तेमाल से खून की कमी दूर हो जाती है और ये छाती के कैंसर से बचाव में मुआविन है। शुगर के मरीज भी इसे हिचकिचाहट के बगैर खा सकते हैं। आलू बुखारे का इस्तेमाल बालों, जिल्द और बिनाई के लिए भी मुफीद है। गर्मियों में आलू बुखारे का शरबत न सिर्फ ताज़ा दम करता है बल्कि तवानाई भी पहुँचाता है।